दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आया मनुष्य इस धरती पर और कैसे हुई जीवन की शुरुआत। तो जीवन की शुरुआत की इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का स्वागत है। आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारे महासागर में जीवन के होने की सुगबुगाहट होने लगी थी। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन के मिलने से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण होने लगा था। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक सूक्ष्म जीव के रूप में हुई। करोड़ों सालों तक ये जीवाणु समुद्र की गहराई में पलने लगे। सूक्ष्म जीवाणु काफी सरल थे, लेकिन इसकी वजह से आगे चलकर काफी जटिल जीवों का निर्माण होने लगा। लगभग 2.5 अरब साल पहले इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं ने सूर्य की किरणों को अपने जीने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसे तत्व का निर्माण किया जो जीवन का आधार बन गया, वो ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के बनने से जीवन की कल्पना करना आसान हो गया। उन दिनों महासागरों में आयरन की मात्रा अधिक थी। ऑक्सीजन तथा आयरन की क्रिया से जंग का निर्माण होने लगा, जिससे अरबों सालों तक जंग समुद्र के तल में जमने लगा। लोहे की मात्रा कम होने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे महासागरों में एक परत बनने लगी। इन 2 लाख वर्षों में पृथ्वी काफी बदल चुकी थी। इसके बाद जीवाणुओं ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे जटिल जीवन धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा। ऑक्सीजन की वजह से कई प्रजातियां समुद्र में जन्म लेने लगी, परंतु धरती पर जीवन अभी भी नहीं था। लगभग 50 करोड़ साल पहले सबसे पहला जलचर, जिसमें एक हड्डी थी, उसने महासागर में जन्म लिया। यह जीवन की क्रांति में सबसे पहला कदम था। पृथ्वी पर 4 अरब साल तक जीवन सिर्फ पानी में ही था। इनमें कई सारे जलचर और पेड़ पौधे थे, परंतु जब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो पृथ्वी पर जीवन का सूर्य की किरणों से बचाव के लिए जरूरी था। इस वजह से पेड़ पौधे जमीन पर उगने लगे और लगभग 40 करोड़ साल में पृथ्वी पर जंगल ही जंगल दिखने लगा। लगभग 40 करोड़ साल पहले एक जलचर ने पृथ्वी पर कदम रखा और जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई। वो हमारे पूर्वज थे। 25 करोड़ साल पहले बिग बैंग के विस्फोट के बाद सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये इतना भयंकर था कि पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया, जिसमें कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। आपको ये भी बता दें कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे विस्फोट 5 बार हो चुके हैं। इस कारण कई प्रजातियां विलुप्त होती आई हैं और उनकी जगह कई नई प्रजातियों का जन्म हुआ है। और इसी क्रम में पृथ्वी पर उत्पत्ति होती है डायनासोर की। डायनासोर की प्रजातियां लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर रही। डायनासोर के समय अन्य प्राणियों का विकास होना मुश्किल था। लगभग 6 करोड़ साल पहले 6 मील लंबा एक धूमकेतु पृथ्वी पर आकर टकराया, जिससे पूरा आसमान धुएं से भर गया। सूर्य की किरणों का इन धुएं की परत को चीरकर पृथ्वी पर आना मुश्किल हो गया था, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। इनकी वजह से वह सभी प्रजातियां जिनका वजन 25 किलो से ज्यादा था, वह विलुप्त होने लगी। सभी डायनासोर भी विलुप्त हो गए और हो गया पृथ्वी से डायनासोर का अंत। डायनासोर का विनाश मनुष्य जीवन के विकास के लिए लाभदायक साबित हुआ। इस तरह के जीवों का जन्म होने लगा जिनके हाथ और पैर हमारी तरह थे। 5 करोड़ साल पहले सभी खंड एक दूसरे से अलग हो गए और पृथ्वी आज जैसी दिखने लगी। 1 करोड़ साल पहले हिमालय जैसे कई पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन में घास उगने लगी, जिनकी वजह से जंगल कटने लगे तथा छोटी छोटी घास की उन्नति होने लगी। हमारे पूर्वज यानी बंदर पेड़ों से निकलकर जीवन के नए नए तरीके खोजने लगे। वे 2 पैरों पर चलने लगे थे, हाथों का इस्तेमाल करने लगे थे। मनुष्य की प्रगति होने लगी। अग्नि का इस्तेमाल, समूह में रहना, भाषा का इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी आकृतियां बनाना, ईंधन का प्रयोग करना,
ऊर्जा को संरक्षित करना तथा उसका इस्तेमाल करना, ये सब मनुष्य जाति ने सीख लिया था। आज हम इतने विकसित हो गए हैं कि मनुष्य की जीवन की शुरुआत का रहस्य भी हम सुलझाने में कामयाब रहे हैं। परंतु बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, ऐसे कई सवालों के जवाब मनुष्य जाति को अभी ढूंढने हैं। या बिग बैंग से पहले कोई ब्रह्मांड अस्तित्व में था भी या नहीं, ये भी एक सवाल है जिसका उत्तर हमें अभी ढूंढना है। शायद भविष्य में मनुष्य इन सब का उत्तर भी ढूंढ लेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सब्सक्राइब करिएगा आपका पसंदीदा चैनल द मिस्टिकल एंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।